वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेवारत कला एवं संगीत प्रशिक्षण का कोर्स नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आर्ट एवोल्यूशन कोर्स 9 पुतली संचालन की पटकथाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले असेसमेंट नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको आने वाले असेसमेंट सॉल्व करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मंच पर माइक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हाथ पे पकड़ने वाला माइक, दूसरा है लटकने वाला माइक, तीसरा है कॉलर वाला माइक और लास्ट है स्टैंड वाला माइक। तो इसका जो आंसर सही है वो है लटकने वाला माइक। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मंच निर्माण में क्या ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है रोशनी, दूसरा है माइक, तीसरा है वाद्य यंत्र और लास्ट है कैमरा। तो इसका जो आंसर सही है वो है वाद्य यंत्र। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथा के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और लास्ट है 5। तो इसका जो आंसर सही है वो है 2। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है नाटक के दृश्य होने चाहिए। पहला ऑप्शन है लंबे, दूसरा है छोटे और लास्ट है मध्यम। तो इसका जो आंसर सही है वो है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथा में नाटकीय मोड उसके किस भाग में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अंत, दूसरा है मध्य, तीसरा है प्रारंभ, लास्ट है किसी में नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है मध्य। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है संवाद कैसे होने चाहिए। पहला ऑप्शन है द्विअर्थी, दूसरा है नीरस, तीसरा है हल्के फुल्के, लास्ट है चुटीले। तो इसका जो आंसर सही है वो है चुटीले। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है चरित्रों का परिचय पटकथा के किस भाग में होता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है संघर्ष, तीसरा है समाधान, लास्ट है अंत। तो इसका जो आंसर सही है वो है प्रस्तावना। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथाकार का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कलाकार, दूसरा है कहानीकार, तीसरा है साहित्यकार और लास्ट है गीतकार। तो इसका जो आंसर सही है वो है साहित्यकार। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथा के अंग हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और लास्ट है 5। तो इसका जो आंसर सही है वो है 3। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथा कहानी का रूप है। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, दूसरा है सैद्धांतिक। तो इसका जो आंसर सही है वो है सैद्धांतिक। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पटकथा का आधार है। पहला ऑप्शन दिया गया है कहानी, दूसरा ऑप्शन है दृश्य, तीसरा है विचार और लास्ट है संवाद। तो इसका जो आंसर सही है वो है विचार। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पटकथा लेखन की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है दृश्य, तीसरा है शॉर्ट और लास्ट है संवाद। तो इसका जो आंसर सही है वो है शॉर्ट। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा स्कोर 12 आउट ऑफ 12 है। इसका मतलब कि हमने सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।